हेलो एवरीवन, मेरे गेन लाइव शेयरिंग में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये बरसात में हम कितने सारे प्लांट, नए प्लांट लगा सकते हैं, वो भी कटिंग से। और जितने हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट है, मैं लगभग सारे ही लगाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कितने सारे में कटिंग आज लेने वाली हूँ और कितने सारे में लगाने वाली हूँ। आइए लास्ट तक बने रहे मेरे। ये देखिए, ये मैं कोलियस की लूँगी और ये मेरा काफ़ी लैगी हो गया और मुझे टाइम नहीं मिला कटिंग लगाने का। तो ये देखिए, मैं इसकी ये काफ़ी सारी कटिंग लूँगी इसकी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से और एक मैं इसकी लेने वाली हूँ, ये शुभलाभ इसको बोलते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छा होता है घर के लिए, शुभ माना जाता है। तो ये काफ़ी ग्रीन रहता है, इसकी भी मैं लेने वाली। ये इस तरह की, थोड़ा सा बहुत कच्ची भी नहीं और पकी हुई भी नहीं, कुछ इस तरह की लूँगी मैं। देखिए यहाँ से लूँगी। और ये साइप्रस है, साइप्रस भी आराम से लग सकता है इसमें। तो इसकी भी मैं ये देख के कुछ इस तरह की ले लूँगी, यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो ये सूखता चला जा रहा। तो इसकी भी चल जाएगी क्योंकि मैंने एक पिछले साल भी चलाई थी। और ये खुशबू वाला जैस्मिन है, इसकी भी लूँगी। ये देखिए यहाँ से लूँगी, इसके नीचे से जो मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा है, इस तरह की चल जाती है। और ये अरेलिया है, ये बड़ा खूबसूरत है, इसका भी लूँगी एक। ये देखिए, और ये थूजा प्लांट है, ये इसका भी लूँगी। ये देखिए यहाँ से लूँगी, इसके नीचे की पत्ती निकाल के और इसको लगा दूँगी। और पेंटास की भी लूँगी मैं। ये वाला डेविल्स वाला है, इसको भी लगा सकते हैं। ये डेविल्स में जितनी वैरायटी होती है इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और ये हमारा ये अजवाइन का प्लांट, इसको भी लगा सकते हैं। और एक ये फायर वोल है, बहुत सुंदर फूल आता है इसकी इसका, तो इसको भी लगा सकते हैं। एक ये पोइंसेटिया है, इसको भी लगा सकते हैं कटिंग। और जो ये क्रोटन के होते हैं इसका भी ले सकते हैं इसकी कटिंग। ये कूपा प्लांट होता है, इसको भी लगा सकते हैं। देखिए ये कलेंचियो पे अभी भी फूल बने हुए मेरे, तो इसको भी कटिंग से हम बड़ा इजीली लगा सकते हैं। ये देखो मैंने लगा भी रखा है, ये कटिंग से लगा रखा है। और एक इधर भी कटिंग से लगा है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट होता है, इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। और ये बिगोनिया है, ये वेगनिया को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाया है, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो ये कटिंग से ही लगाए हैं। और एक मेरा ये भी फ्लावर प्लांट है, ये साबनी प्लांट है, इसको भी मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। एक हमारा ये पोल का डॉट होता है, इसको भी कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। इसको भी मैंने भी लगाया है और लगाऊंगी भी काफ़ी सारे। और ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट का है, इसको भी मैं कटिंग से लगाऊंगी। ये वेवी सन हो, ये तो बड़े इजीली होते हैं कटिंग से लगाना, इसको भी मैं कटिंग से और भी लगाने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारे ये प्लांट कटिंग से तैयार किए हैं। वर्बीना का भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं, देखो अभी भी फूल आए हुए हैं इस पर। इधर ये पेंटास है, इसकी भी लूँगी। ये देखिए इस पर फूल है, ये सब निकाल दूंगी मैं। और ये अच्छी सी ली है मैंने, इसकी थोड़ी पकी हुई सी। और मेरा ये झुमका प्लांट है, मैं इसकी भी लूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे से इसको कट कर लूँगी। और एक ये मेरा गोरी चोरी का, इसकी भी लूँगी। ये भी बहुत सुंदर फूल आता है, इस पर भी ये देखिए इसका यहाँ से ले लूँगी मैं। और एक ये मधुकामी का, इसका भी लेने वाली हूँ। ये वाली बंच लूँगी मैं इसकी, ये देखो तो इतनी काफ़ी होगी। यहाँ से लूँगी इसकी, यहाँ से इसकी ये गुड़हल की लूँगी। ये देखिए इस पर छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही, तो अभी हम इसको ले लेंगे और वो भी मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चल जाएगी, ये मजबूत है, काटने में टाइम लगेगा। और एक गोरी छोरी का है, इसका भी हम ले सकते हैं, इसका भी मैं लूँगी। और एक गुलाब की कटिंग लूँगी। और एक ये रेड है, रेड पत्ती वाला, एक इसकी लूँगी वो यहाँ से।
और ये गुड़हल की तो मैं कई सारी लेने वाली हूँ। पिलू मेरी है इसको भी लूँगी मैं यहाँ से। ये देखो इतनी मोटी कटिंग हुई इसकी, तो ये अच्छे से चल जाएगी। इसकी कटिंग तो मैं एक दिन रख दूँगी, उसके बाद लगाऊंगी। और देखिए एक ये है नागचंपा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, एक यहाँ से लगाऊंगी इसको। और ये हमारा डबल चांदनी का है, इसका भी लूँगी एक मैं। इसकी भी कटिंग बहुत अच्छी चल जाती है, ये भी कटिंग से ही थे। और ये कनेर है, तो एक कनेर का भी लूँगी मैं। ये गमले वाला है देखो, हाइब्रिड कितना अच्छा चल रहा है। और एक ये फालसिया है, वरुण फालसिया, इसका भी लूँगी मैं। तो मैं बहुत सारी कटिंग लेने वाली हूँ। एक ये देखिए जिसे हम इंद्रकमल भी कहते हैं, और ये खुशबू वाला प्लांट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इसका भी लूँगी मैं। और अब मैं इधर आ जाती हूँ। और एक ये हिबिस्कस है, ये वाला इसका भी लूँगी मैं। ये लैंटाना होता है। और एक ये राखी बेल है, एक इसकी लूँगी। और इधर ये एलामंडा का है, लाल बहुत खूबसूरत है, इसका भी लूँगी एक कटिंग। और एक कटिंग में ये हर श्रृंगार है, इसका भी लूँगी। बहुत सारी नई कटिंग मैं बनाने वाली हूँ। और ये जितने मेरे हिबिस्कस है सबकी एक एक कटिंग लेने वाली हूँ। और जितने भी मेरे गुलाब है सबकी एक एक कटिंग में लगाने वाली हूँ, और लाल सा की भी लगाने वाली हूँ। और इधर देखिए ये जो मेरे इसमें हैंगिंग बास्केट रखा है, तो इसकी भी लेने वाली हूँ। ये बेबी टीयर्स होता है, जितने भी मेरे हैंगर उसमें हैंगिंग है इसका भी लेने वाली हूँ। ये क्रीपर है, छिपकली क्रीपर है, और ये भी बहुत सुंदर छोटे छोटे फूल आता है, इसका भी लेने वाली। और इसकी भी बहुत सारी ये मॉस रोज वाली बनाने वाली, क्योंकि ये मॉस रोज जो हाइब्रिड है उसकी मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसकी मेरी क्या है वो थोड़ा पानी से ये जल्दी गलती है, वैसे मैंने पानी से बचा दी, मगर मैं फिर भी उसकी लेने वाली हूँ क्योंकि बचाना है मेरे को उनको भी। और इनकी तो मेरे पास बहुत सारी हैं, इनकी भी ले सकते हैं। ये डेजर्ट रोज है, मैं एक इसकी कटिंग लूँगी। ये भी बड़े आराम से चल जाती है, और ये बीज से भी लगा ले सकते हैं इसको। और ये देखिए एक ये है पेंसिल वाला, ये स्टिक वाला, एक इसकी लूँगी। और मैं एक इसके लिए हूँ। इधर देखिए जो है गाने चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको चाहती हूँ। और एक इसके लूँगी मैं, ये एक्जोरा की, तो मेरे पास तीन चार हैं एक्जोरा का प्लांट, तो मैं सभी की लूँगी। और ये कटिंग हम जब भी लें तो कम से कम दो तीन कटिंग लें, जिससे एक आध ख़राब भी हो जाए एक दो, तो कम से कम एक दो तो चल पाए। तो और एक ये थ्रेलिस गोल्डन थ्रेलिस, इसका फूल बहुत ही मुझे पसंद है, हर समय पीला पीला बहुत ही खूबसूरत लगता है, रात में भी ऐसे चमकता है, बहुत सुंदर चमकता है। तो एक मैं इसकी लूँगी, वो भी मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, ये यहाँ से लूँगी मैं इसकी कटिंग। और एक ये चाइना डोली, मैं इसकी भी लेने वाली हूँ। ये बहुत सुंदर फूल लगते हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत से फूल लगते हैं, इसका भी देखिए खूबसूरत सा। ये भी ये डेफिन वेकिया है, तो इसको भी हम कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, यहाँ से कट करके इसको लगा सकते हैं, तो इसमें नए नए और भी इसमें स्टेम आ जाएंगे, और इसको भी हम काट के इतना लगा सकते हैं। तो मैं भी सारी कटिंग ये अपनी जो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा है, और मैं अपने बीबर्स को भी देने वाली हूँ, और मैं आस पड़ोस में भी देने वाली हूँ, जो भी रिलेशन में मेरे लेंगे उनको भी मैं देने वाली हूँ, जो भी मेरे आस पास है तो मैं उन्हें भी देती हूँ। और अभी और भी बहुत सारी कटिंग देने वाली हूँ। आपके आसपास भी अगर कोई लेता है, अगर ज़्यादा है आप पे प्लांट, तो आप अभी दे सकते हैं, क्योंकि ये बरसात में बहुत अच्छे से चल जाती है ये कटिंग। जैसे सप्रेला का प्लांट है, इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं, या तो जैसे ये वाली कटिंग ले सकते हैं, या ये यहाँ से कट कर सकते हैं, इसमें नई नई और ब्रांचेज निकल जाएंगी। और ये बोगनवेलिया होते हैं, और इनको भी हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कटिंग से ही लगाया, अभी लगाया तीन चार दिन पहले, और भी लगाने वाली। और एक ये है, ये फायर बुश है, तो इसको भी मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। एक मैंने कटिंग इसकी लगा भी ली है, तो इसको भी हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। और एक मेरा ये भी फ्लावर प्लांट है, ये सावनी प्लांट है, इसको भी मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। और टोर्निया का प्लांट भी बहुत सुंदर होता है, तो इसको भी देखो लगा सकते हैं, कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं इस पर। वर्बीना का भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं, ये देखो अभी भी फूल आए हुए हैं इस पर। और ये देखिए ये स्पाइडर वर्ड है, इस पर पर्पल कलर का बहुत सुंदर फूल आता है, तो दो तीन दिन तक खिला था वो, अब वो ख़त्म हो गया। और इसको भी मैंने देखो कटिंग से लगाया था, तो ये कटिंग से अब बहुत जल्दी लग जाते हैं। और मैंने ये भी बाकी ये कटिंग से अभी लगाए हुए, तो इसको भी लगा सकते हैं।
और ये देखिए गुलदाउदी के मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं कटिंग से, इसको भी इजीली तैयार हो सकता है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए ये ट्रम्पिट का है, बहुत सारे हैं मेरे पास ट्रम्पिट के, मैं इनको भी कटिंग से लगाने वाली हूँ। और ये जेट प्लांट है तो मैं इसको भी कटिंग से लगाने वाली हूँ, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजीली होता है। और एक मेरे पास ये ब्रेशिल है विदेशी, ये जो चटनी में और उसमें खाया जाता है सब्जी में डाल के, तो ये भी अच्छा होता है, इसे भी हम कटिंग से इजीली तैयार कर सकते हैं। के लिए अगर मिट्टी आपकी गिल्ली है तो उसे थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं, मैंने भी अभी धूप में रखी है और मैं शाम को लगाऊंगी। प्लांट सारे काफ़ी सारी कटिंग ली थी मैंने, उनकी सबकी नीचे की पत्तियाँ निकाल दी हैं और ये देखिए इतनी सारी पत्तियाँ इनकी निकल गई, तो मैं फिर इनको लगाने वाली हूँ। ये जो फूल वगैरह होते हमें सभी निकालने हैं इनके, और अभी काफ़ी सारे प्लांट अभी रह भी गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और तो इसलिए मैंने जो है इतने ही प्लांट बताए हैं आपको। और आगे भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।